इसीलिए अभी मैं बताता हूँ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, सिंपल बात मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में उतर जाते हैं। देखो बच्चे, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, इधर छोटा सा पिक्चर। इट इज वन कंटेनर, इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है बोलो, थोड़ा सा भरा हुआ है। एनी आइडिया, एनी अदर थिंग? ओहो, इम्प्योर वाटर सेक्रेट और देखो उसका दिमाग और सोचने लगा, कॉन्सेप्ट से भी दूर। ओके एनीवन, इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़ा काली है। देखो एक ही चीज से कितनों का मन का सोच बदल रहा है। यू नो, यू आर राइट, यू आर राइट। थोड़ा क्या बोला उसने, गंदा वाटर है, सेटल हुआ वाटर नीचे आ गया। किसी ने बोला कि ये क्या है, काली है। हाँ बोलो, पानी भरा। और क्या है सर? क्या 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 कहानी सुना दी मुझे? आई एम नॉट गेटिंग। सी वाटर, कहां से कहां कनेक्ट कर दिया सी को? पूरा साइंस क्या क्या मुझे बोल रहा है मुझे मालूम है, केमिस्ट्री से भी कनेक्ट कर दिया। ओके बच्चे, ओके बच्चे, इधर आपका दो ऑप्शन है, एक कंटेनर विद वाटर। ओके, एक कंटेनर विथ वाटर, इज इट करेक्ट आर नॉट? यस आर नॉट? अभी हम पर्सनालिटी को कंपेयर करेंगे। अभी देखो बच्चे, जो व्यक्ति, इधर सुनो, जो व्यक्ति, जो व्यक्ति इंसान जब इस कोई भी चीज को देखते हैं, केवल जो बड़ा हुआ वाटर लेवल को देखता है, बाकी खाली जगह को नहीं देखते, उसी को पॉजिटिव पर्सनालिटी बोलते हैं। जो उसके सामने बड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो बड़ा हुआ को छोड़ते हैं, खाली को ही देखते हैं हमेशा, उसको नेगेटिव पर्सनालिटी। समझ में आया? समझ में आया? उसका एग्जांपल भी देता हूं। अभी आपको थोड़ा समझ में आया? ग्लास विथ वॉटर, अभी इधर देखो, इसमें पानी भी है और वॉटर भी है। इधर जो पानी को ही देखता है, खाली जगह नहीं देखते, ओनली ऑब्जर्विंग द वॉटर, That is called positive. वो पानी को छोड़ दिया, एक कह रहे थोड़ा, एक इतना काली है, इतना काली है, हमेशा खाली को देखते हैं, खाली जगह को देखते हैं, empty space को देखते हैं, that is called negative. समझ में आया? तो every situation, every problem, you have the option of seeing the empty space or filled water. What you will see more? What you see more? Empty space. That is called negative. अगर आपके टीचर आकर के आपको डांटा मारा, तो टीचर के प्रति क्या भावना रखेंगे? दिस टीचर इज वेरी हॉर्श, दिस टीचर इज वेरी वेरी एंग्री, दिस टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे रखते हैं। और दूसरा स्टूडेंट तो उसी सिचुएशन को कैसे लेते हैं? द टीचर इज टेलिंग एवरीथिंग फॉर माई बेटरमेंट, द टीचर वॉन्ट्स मी टू प्रोग्रेस, वैसे देखते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव में भी क्या देखना है? पॉजिटिव, माना वेयर देर इज नथिंग बट यू आर फोकसिंग ऑन द बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। समझ में आया? अभी मैं एग्जाम्पल सुनाता हूँ। युवा नेम है दिव्यांग, युवा नेम ओके वाजपे, वेरी नाइस। ओके अभी मैं देव ना दिव्यांग, ओके फाइन, अभी दिव्यांग और वाजपे, सतीश मास्टर, आई कांट स्पेल फ्रॉम वर्ड्स ऑफ यूर प्लेस बिकॉज दिस वर्ड्स आर टोटली डिफर फ्रॉम अवर साउथ, राइट? सो प्लीज डोंट माइंड। ओके, अभी आपका नाम वाजपेयी है, ओके, सो योर नेम दिव्यांग, राइट? अभी दिव्यांग और वाजपेयी दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स है, ओके? अभी क्या होता है, एक सीन को दिखाता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव को आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अभी क्या होता है, दिव्यांश एक दिन एक माउंटेन के ऊपर घूमने जाता है, पूरा पहाड़ पर जाता है, वहां सब कुछ देख लेता है। वो घूमते घूमते उसको प्यास लगता है, क्या लगता है, प्यास। वहां कोई दुकान नहीं खुला होता है, पानी पीने के जैसे कोई उधर वाटर का सोर्स ही नहीं मिलता, तो उसी नजदीक में वाचपे का डर है। तो वो क्या सोचता है, लेट मी गो एंड हैव सम ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे सोच के दिव्यांश उसके घर में जाता। तो ये वाचपे क्या करता है, बाहर घर से ही उससे आधा घंटा बात करता है, लेकिन दिव्यांश क्यों आया, पानी पीने के लिए। तो बाद में वो बोलते हैं कि shall we go on secret form, can I have a cup of water, hey, yes come to please be seated bolta, fir 5 minute kuch baatein kar, uske baad wo puchta hai can I have a cup of water, can you please serve me a cup of water, to ek glass leta hai, itna bada glass leta hai, usme 10 ml water bhar karke divyan ko de, tab divyan usko लिया, उसके मन में कुछ चलता है नहीं चलता है। अब क्या क्या थॉट्स आएगा बोलो, क्या थॉट्स आते बोलो एट ए टाइम वन ये बोलो के प्रति क्या आता है थॉट, प्लीज क्यों है खाली, क्यों है, उसके पर्सनालिटी में उसको एक लेबल दे देते आप लोग, क्या रिश्ते ये तो नेगेटिव ही, क्या क्या लेबल देते उस वर्ड को बोलो, कंफ्यूज। हाँ फिर ही इज नॉट हैविंग मैनर्स, फिर ही इज सेल्फिश, देन माइंड कैसे रोटेट होता है उस समय बोलो थोड़ा, ही इज नॉट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग पावर दैट एनीवन कम्स टू सर्व वाटर बिफोर देयर एस, देन बोलो क्या क्या आता है माइंड में, तो जो भी आया वो सब नेगेटिव था या पॉजिटिव, नेगेटिव था या पॉजिटिव। अभी इधर ऑप्शन है कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने के, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे। इधर उसने तो आपको 10 ml वाटर दिया, पहले तो आपको बहुत प्यास लगता था, आपको वो पानी इतना तो सर्व किया, तो आपके मन में क्या पॉजिटिव आप क्रिएट कर सकते थे उस समय, पानी तो पिलाया, घर जाने तक मुझे थोड़ा तो क्या हो गया, उसको कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, लेकिन मन पहले किसको चूज किया, नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ तो नेगेटिव मन के लिए क्या है, मन के लिए नेगेटिव क्या है, ओवर कैलोरी, जो ज्यादा एक तले हुए चीज खाते हैं, स्पाइसेस फूड खाते हैं, जो बाहर रोड साइड के फूड खाते हैं, जो कोई क्लीनलीनेस नहीं होता है, हाइजेनिक नहीं होता है, वैसे चीज को मुंह में डालता है और पेट को भरता है, तो पेट क्या बनता है, डस्टबिन बनता है ना, पेट बनता है नहीं, वो बीमारी रूप में आएगा नहीं, मोटापा बढ़ेगा नहीं, होता है नहीं। तो मन में भी अगर रोज में 10-20 बार आप नेगेटिव लिया तो मन क्या होता है, भारी हो जाता है। तो मन क्या डिमांड करता है उस समय, पीस, आई वांट पीस, शांति। तो हम सप्लाई करते हैं उसको, हम क्या करते हैं उस समय, जाकर के टीवी देखते हैं, और टीवी देखते तो टीवी में क्या होता है, यू आर जस्ट डाइवर्टिंग माइंड, बट यू आर नॉट चेंजिंग द माइंड, you are not changing the programming, you are going there just inputting some other things, isse kya ho gaya mind powerless, samajh mein hai, abhi hamare paas bhi ek situation aa gaya, power cut fluctuations, humko slides nahi aa rahe, abhi a negative situation,
इसको हम कैसे लेना है? पॉजिटिव. क्या लेना है? अरे चलो वो नहीं तो क्या है, वो कंप्यूटर फेल हो गया, ये कंप्यूटर तो है ना, ऐसे सोच करके क्या करना है हमें, उस परिस्थिति को ग्रास करना. दिस इज कॉल्ड व्हाट? पावर ऑफ